आज मेरी भक्त सुकन्या बोली है, पिताजी तुम जा रहे हो तो सुनो। जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं, और जो कही बाबुल आपने बाकी टेक निभाऊं। बाबुल जो आपने कहा है उसकी टेक को निभाऊंगी। और बोली बाजे प्रभु, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। मेरे भक्तों सुकन्या कहने लगी, पिताजी तुम जा रहे हो, मोशिया भगिनी को माफ कर देना। कहती हुई बोली, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे, और उनमें तो जिनकी दुल्हन बन गई थे मेरे घर वाले। मोसिया भागिन को बबुला तुम दिल से मत भुलाइयो। बाबुल मुझे कभी अपने दिल से मत भुला देना। मोसिया भागिन को बबुला तुम दिल से मती भुलाइयो, मेरी मैया यदि रोवे तो तुम भाई धीरज बंधवाइयो। आज मेरे श्रोता बंधुओं इतनी बात कह दी, आज महाराज सजाद चले गए हैं, आज सुकन्या उसी अंधे के पास खड़ी रही। भक्तों आज बोली है, क्या बताऊं, कहने लगी हे परमात्मा, आज खड़े होकर के बोली है, प्राणेश्वर मुझे माफ कर दो। ओ निरमोई पिया, तोई तेरी दासी रही थी जगाई रे। आज मां तब गई आशी टकराई रे।
के रूठे रूठे मेरे राजा बोली है के रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा बनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा कर के कपट फिर पछतानी कैसी कटिए हाय जो जवानी सोने के भाव कमलेश राजा अब सोने के भाव बिकाई माते रूठे रूठे मेरे राजा मना कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा आज मेरे भक्तों सुकन्या खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी प्राणेश्वर मुझे क्षमा कर दो लेकिन बारे संतो हां भी न कही ना भी न कही दुविधा में नैया पड़ी रही महात्मा समाध लगाए रही दुखिया कर जोरी पड़ी रही। आज मेरे भक्तों आज सुकन्या दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी रही लेकिन हुआ क्या है। अरे 14 बरस गई बीत रे सुनियो ददायंगारी जको काटो भाव शरीर रे जको काटो भाव शरीर रे काटे सी हुई गई नारी महाराज रीत की प्रीत न्यारी है और 14 वर्ष गई बीत नारी अब काटो हुई गई है भैया 14 वर्ष गई बीत नारी हाय काटो हुई गई है दादा 14 वर्ष गई बीत नारी हाय काटो हुई गई है सुकन्या को 14 वर्ष हो गई है शरीर कांटा सा हो गया है साड़ी शरीर से गल गल के गिर गई है मेरे भक्तों लेकिन प्रभु की लीला है हुआ क्या है। अरे 14 बरस के बाद सुनो अब संत की खुल रही ताली है भैया संत की खुल रही ताली है अरे ओम शब्द मुंह से निकलो उड़ा दे हाँ अरे ओम शब्द मुंह से निकलो पाए नुप गिरी दुखी यारी है पाए नुप गिरी दुखी यारी है
चमन ऋषि की नजर बंद, लड़की पे हाथ फेराया है। बेटा कन्हैया तू कौन पड़ी मेरे पैरों पे, ऐसा मधुर वचन सुनाया है, ऐसा मधुर वचन सुनाया है। जैसे ही 14 वर्ष के बाद जब महात्मा की समाधि खुली तो ओम शब्द मुंह से निकला था। जैसे ही ओम शब्द मुंह से निकला, आज सुकन्या पेड़ों पर गिर गई। आप कौन हैं और मेरे पेड़ों पे पड़ी हो? सुकन्या कहने लगी, मैं वो अभागिनी हूं जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी थी। क्या कहा? आंखें फोड़ दी थी। हाँ, और बोली है, शादी से पहले नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, शादी से पहले नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, धोखे से महाराज रे अखियां मैंने फोड़ी, बोली कि दोनों ने ना बन रसी ले दुल्हन देख की हर सावे, दोनों ने ना हुई रसी ले दुल्हन देख की हर सावे। जैसे ये शब्द सुना कि मेरे दोनों ने नरसीले हो जाएं, चमन ऋषि कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? सुकन्या कहने लगे, महाराज 12 साल के पिताजी मुझे छोड़ के गए थे और 14 साल में मुझे तपस्या करते करते हो गए। हमारी उम्र 26 वर्ष की है। सुकन्या मुस्कुरा करके कहने लगी, पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगे, हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। सुकन्या कहने लगी, मामला यहीं गड़बड़ है। और बोली, क्या मेरे पिया बात है लज्जा की? बोली है, ओ राधे मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी, मरने की खास निशानी। दुल्हन पर इधर जवानी है, दुल्हन पर इधर जवानी है। और प्रभु बरदानी यदि हमें देते हो तो मेरे प्रेम में सन जाइयो, मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 सके दूल्हा बन जाइयो, राजा 30 सके दूल्हा बन जाइयो। कहने लगी, प्रभु
अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मैं 26 साल की गोरी हूं, तुम 30 के दुल्हा बन जाओ। आज मेरे श्रोता बंधु, उसी समय अश्विनी वैद्य को बुलाया और कहा कि कोई ऐसा रस तैयार करो जिससे हमारे नेत्र सुरीले हो जाएं। अरे भैया, दो ही दिन उस रस को डाला था, सुरीले नेत्र हो गए। मेरे श्रोता बंधु, कवि ने लिखा है, नारी की झाई पड़त अंधे हो तभुजम कबिराय उनकी क्या गति जो नित नारी के सम। कहा चमर ऋषि 50,000 वर्ष तक तपस्या करते थे लेकिन एक स्त्री के चक्कर में अपनी जिंदगी बिताने लगे हैं। एक दिन की हम तुम्हें जिक्र बताएं, बादों का लला महीना रहे शीले, बादों का महीना रहे, बारिश हुई रही, छप्पर टपको, सुकन्या उठ करके बैठ गई। चमन ऋषि कहने लगे, क्या बात है? सुकन्या कहने लगी, प्रीतम हाय, अगर सुंदर जोड़ी होती, संगमरमर होता, रसोई का छोटा, सेन का छोटा, तो कितना बड़ा आनंद आता। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा ने रात ही रात में ऐसे महल को सुंदर बना करके तैयार किया। अरे भैया, अब तो आनंद ही आनंद है। अश्विनी कुमार ने एक औषधि को भी तैयार किया था भक्तों, जिससे चमन ऋषि जवान हो गए थे, जिसे कहते चमन प्राश। अब तो भैया ढीली धोती, ढीला कुर्ता, जूता, चर्र मर तो आनंद ही आनंद है। एक दिन महाराज सरयात ने देखा कि मेरी बेटी को बहुत दिन हो गए, मुझे चल करके देखना चाहिए मेरी बेटी किस तरह जिंदगी व्यतीत कर रही है। मेरे श्रोता बंधुओं, जब वहां आए तो भैया चमन ऋषि तो जवान थे, जब देखा सरयात ने कि ये पागल लड़की ने क्या किया, उस बुड्ढे को मार दिया, किसी नए नौजवान लड़के के साथ में इक्ष लड़ा रही है। आय हाय, जब पिताजी को आते हुए देखा तो सुकन्या ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। महाराज सरयात कहने लगे, पागल लड़की इस गंदी जबान से हमें पिता ना कहे। तब तक चमन ऋषि निकल आए, कहने लगे, ससुर साहब कहिए क्या बात है? अरे मैं भाई चमन ऋषि हूं। महाराज सरयात कहने लगे, तो आप? हाँ। उसी समय अश्विनी कुमार वैद आ गए, कहने लगे, महाराज तुम्हारे दामाद तो बड़े बेईमान हैं, जिन्होंने हमें डॉक्टर की फीस नहीं दी। फीस नहीं दी? चमन ऋषि कहने लगे, आप कहना क्या चाहते हो? अश्विनी कुमार वैद्य कहने लगा, महाराज हमें देवता यज्ञ में भाग नहीं लेने देते हैं। चमन ऋषि ने कहा, ठीक है, हम अपने यहां यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और तुम्हें यज्ञ में भाग देंगे। मेरे श्रोता बंधु, चमन ऋषि ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, उसमें इंद्र आया था, सभी देवता आए, अश्विनी कुमार वैद्य भी आया था। तो इंद्र ने कहा, महाराज हम इस अश्विनी कुमार वैद्य को यज्ञ में भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि यह अछूत है, यह हर जगह जाता है। चमन ऋषि कहने लगे, पागल हो, जो रात के 12 बजे अगर कान में दर्द सुन ले और रात के 12 बजे नंगे पैरों भागे, उसे तुम अछूत बताते हो। हम अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग अवश्य देंगे। इंद्र कहने लगा, अगर तुम इस अश्विनी कुमार को वैद्य को यज्ञ में भाग दोगे
तो मामला बिगड़ जाएगा। चम ऋषि कहने लगे तुम अपने भौज का पता दो। उसी समय श्रोता बंद हुआ, इंद्र ने वज्र को उठाया तो चमर ऋषि ने उसकी भुजा को पत्थर कर दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। चलते हैं दो शब्द हमारे साथियों के बारे में। अरे कमले सुदादा निज युव मेरे मधुरी अतिनी नाल बजाए। और तोलत पूरा हाय गाम बताते बड़े थे जे भ्राता हमार। कन्हैया बेटा भ्राता मेरो मधुरो चिमटा रौखन काए। और नंगला पृथ्वी निज बसु भैया तुम कुँवर सत्य रहे समझाए। और यतेन्द्र शिष्टि हाय जुआ मेरो पैथो मंडल मुश्किया। और सीले सम्मित्र हमारे कई रसीद फुर है काम हमार। तो भ्राता नु जयनी को मंद मंद जो रहो मुसिक्या। और नीले सुकुमार हमें बदल ही नंगला पृथ्वी काम बताए। और मैया बबुल की हाय कृपा से मैंने कथा जो दैया सुनाए। थोड़ा गुरुवर रही बे पारे सूरत हाय मोई नहीं लख पाए। प्यारू करो गुरुवर ने तुमको हम रहे समझाए। बिरलाम मेरी ले लीजे गलती कुमा फुकर दइए। मेरो नीले सब कुमार है नाम राम 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 सा। गलती कुमा फुकर तैयो फुकर तैयो मेरो नंगला पृथ्वी काम राम 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 सा। बोले आनंद कंद भगवान की।
बोले राजेश्वरी भगवान की।